हाय गाइस, मैं ज्योति और मैं एक आर्टिस्ट हूँ। मिथुन हूँ, मैं एक आर्टिस्ट। अगर हम इजीली समझे तो ग्रैफिटी का मतलब है किसी भी दीवार पे, किसी भी प्लेन सरफेस पे एक स्क्रैच मार देना। एक स्क्रैच मार देना बेसिकली कुछ लिख देना, इनग्रेव करना, खुरदना, कुछ अपना बना देना कुछ, तो इसी को हम ग्रैफिटी बोलते हैं। पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम क्या होता था कि उस समय बहुत ज़्यादा लोगों में रोष गुस्सा भरा हुआ था प्रोस्टिट्यूशन के प्रति, दूसरी पार्टी के प्रति, लोगों के प्रति, आर्मी के प्रति। तो वो उनको जो सताया जा रहा था वो दीवारों पे ऐसा कुछ ना कुछ बना देते थे, किसी की भी दीवार पे। वो गवर्नमेंट की दीवारों को भी रंग देते थे, कुछ ना कुछ वो छुप छुप के कर देते, क्योंकि ऑब्वियसली जो ग्रैफिटी है, ग्रैफिटी का मतलब ही अगर आप पब्लिकली प्लेस में कर रहे हो तो अनऑथराइज वॉल ही होती है। ऐसा नहीं कि ये वॉल आप ही के नाम का है तो आपने किया, नहीं, इल्लीगल हो जाता है। जैसे एक लेखक लिख के बयान करता है अपनी भावनाओं को, मैं एक आर्टिस्ट हूँ तो मैं अपनी फीलिंग्स को ड्रॉ करके ही दिखा सकता हूँ अपने भावनाओं को। अब मैं आपको ड्राइंग करके ही बता सकता हूँ, स्केच करके या फिर ग्राफिटी करके, तो इस वजह से मुझे ग्राफिटी करना अच्छा लगता है। जैसा कि आप देख रहे हैं चमकीले कलर जो बहुत ही तड़क भड़क वाले, जो तुरंत आँखों को अट्रैक्ट करें, लाल पूरा, ग्रीन, डार्क ग्रीन, ऐसे मतलब वेरिएशन थोड़ा कम, प्राइमरी कलर जिनको हम बोलते हैं शुरुआती रंग, जैसे कि हो गए हरा, लाल, नीला, पीला, मतलब यही है बेसिकली इंडियन कलर्स। तो उनको कनेक्ट करने को कोशिश किया कि एक एनिमेशन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे बच्चे यूथ जो है वो पढ़ने आ रहे हैं, उनके अंदर एक स्पिरिट है, मतलब पढ़ने का एक इच्छाएं हैं बहुत जानने की, यहाँ पे उनके अंदर एक एनर्जी है कि कुछ सीखने का। एक बाइक है जो हवाओं में उड़ रही है, तो ऐसा तो होता नहीं है, लेकिन हवाओं में उड़ने का मतलब कि वो कितने एनर्जेटिक है, कितने फ्रेश है, उनका जो यूथ चला अभी जो टाइम है उनका वो कितना फ्रेश है उनको एनर्जी देने के लिए। जैसे ट्रक्स के पीछे लिखे होते थे हॉर्न ओके प्लीज, तो उसको भी हमने इस ग्राफिटी में यूज़ किया है, हॉर्न ओके फॉर TGC। तो ऑटो क्या है कि ऑटो बेसिकली एक लोकल पब्लिक के लिए है कि हम वहाँ पे चढ़ बैठ रहे हैं, फिर एक डेस्टिनेशन दूसरे डेस्टिनेशन जा रहे हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं यहाँ भारत में कि लोग अपने ऑटो को, मतलब अपने जो यूज़ कर रहे हैं, पेंट किया हुआ है खूबसूरती से और उस पर भी कुछ ना कुछ बनाया हुआ है, तो वो एक उनका आर्ट है। जो पब्लिक है उनको अपनी चीज़ से इतना लगाव है, इतना जुड़ना है कि वो उसको भी पेंट कर रहे हैं, एक अच्छे तरीके से रख रहे हैं। दूसरी दीवार पे आप देख रहे हैं वो उससे कनेक्ट होते हुए कि टाइम कैसे ट्रांसफॉर्म हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। फिर हाथी के सूंड से निकलती हुई फिल्म की रील, जो कि मतलब पहले लोग उतने फिल्म के बारे में, अब क्या है कि फिल्मों का एक क्रेज चल गया है, रंगों का एक, फिल्म क्या है, रंगीन दुनिया, जैसे फिल्मों का रंगों का एक क्रेज है, लोग पसंद करने लगे हैं, जानने लगे हैं, वो उनके मनोरंजन का एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हिस्सा है। स्वागत है आपका संगणक के संजीवन में। कुछ चीज़ों को अगर हम भारतीय एलिमेंट्स को इम्पोर्टेंट दे रहे हैं तो यहाँ पे हमें लैंग्वेज को भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमारा लैंग्वेज हिंदी ही है, हाँ, कॉम्प्लिकेट कर दिया है। क्योंकि अभी का जो टाइम है, अभी जो ग्रैफिटी हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग शब्दों को एकदम सामने बिल्कुल स्पष्ट न लिख के उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ के कॉम्प्लिकेट करके लिख रहे हैं ताकि लोगों को कम समझ में आए, तब वो वहाँ पे ध्यान दें, उस चीज़ को इम्पोर्टेंट दें, रुके, पढ़ें, ध्यान दें। मतलब कॉम्प्लिकेट करने का मतलब ये नहीं कि आप इजीली समझ ना पाओ, इसके पीछे भी मतलब कई सारे रीज़न हैं। कहीं ना कहीं हम शब्दों को और ज़्यादा सुंदर दिखाने के लिए हमने इस चीज़ का प्रयोग किया हुआ है।